नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एबॉर्शन पिल एमटीपी पिल के बारे में। इस वीडियो में उससे लगती मिलती जुलती आई पिल के बारे में बात करेंगे, इमरजेंसी पिल। तो सपना, क्या होती है ये इमरजेंसी पिल आई पिल? तो जैसा आपने बताया कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद ये लोग अगले दिन सुबह लेते हैं, तो कब तक ले सकते हैं ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई पिल? तो इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल आता है, कौन सा कंपाउंड आता है? तो आप इसका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे काम करती है उस बारे में थोड़ा सा बताओ। अच्छा, ये बताओ कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है? क्या इसको कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज कर सकते हैं? तो सपना, क्या होती है ये इमरजेंसी पिल आई पिल? जी, तो जैसा कि सवाल है कि आई पिल क्या होता है, तो आई पिल को मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जाना जाता है। और इस पिल को हम एक गोली होती है, एक दवाई होती है, जो इमरजेंसी में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद कपल्स या लोग इसको यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो जैसा आपने बताया कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद ये लोग अगले दिन सुबह लेते हैं, तो कब तक ले सकते हैं ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई पिल? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कितने घंटे या कितने दिनों बाद तक ले सकते हैं? आइडियली तो इसको जितना जल्दी लिया जाए उतने जल्दी इसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना चाहिए। बेस्ट रहेगा 12 आवर्स के अंदर, इसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये जो आई पिल जो ब्रांड मार्केट में आती है, हम कोई ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, पर आई पिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे लोग आई पिल करके लेते हैं। हम लोग मेडिकल भाषा में उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल आता है, कौन सा कंपाउंड आता है? इसके अंदर एक प्रोजेस्ट्रॉल नाम का कंपोनेंट होता है, जिसको हम लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, और ये लगभग 1.5 मिलीग्राम की डोज में मौजूद होता है। और इसका अपने आप में एक प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो हम एक पूरे क्वेश्चन में समझाते हैं। तो ये खाली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम लोग खाली एक लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल ही यूज़ कर सकते हैं या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम खुद भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक मेडिकल नाम से अवेलेबल है, लोग इसको समझते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ भी आती है। तो आप इसका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे काम करती है उस बारे में थोड़ा सा बताओ। आई पिल कैसे काम करती है, उसके लिए हम लोग ये समझने के पहले एक छोटा सा ये समझ लेंगे कि प्रेगनेंसी रहने का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रेगनेंसी रहने के लिए सबसे पहले एक ओव्यूलेशन होना ज़रूरी है, फिर स्पर्म और अंडा जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी बच्चेदानी में चिपकती है। तो ये जो तीनों प्रोसेस है, इसमें ये जो आई पिल का जो मॉलिक्यूल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उस पर वर्क कर सकता है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने पिल कब ली है। अभी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है वो साइकिल के किस भाग में हुआ है। अगर वो ओव्यूलेशन होने के बाद हुआ है, इम्प्लांटेशन होने के बाद हुआ है, फर्टिलाइजेशन के आसपास हुआ है, तो उस हिसाब से ये गोली वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मेन मैकेनिज्म ये होता है कि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, मतलब अंडे को अंडे दानी से छूटने में इनहिबिट करती है, क्योंकि इट इज़ अ हाई डोज प्रोजेस्टेरोन। लेकिन सपोज किसी का इंटरकोर्स ऐसे समय पे हुआ है जब उनको ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुका है और उसके बाद वो आई पिल ले रहे हैं, तो ये दवाई प्रोजेस्टेरोन की जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल दवाई है हमारी आई पिल, ये सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कर देती है। और सर्वाइकल म्यूकस की जो थिकनिंग होती है, तो एक तरीका है कि वहाँ से स्पर्म का पेनिट्रेशन स्टॉप कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है बॉडी में, तो ये इम्प्लांटेशन फेलियर करती है, क्योंकि ये हाई डोज प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम में चमड़ी है यूट्रस की, उसको इनअप्रोप्रिएट कर देती है फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये हर लेवल पे वर्क कर सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी किस साइकिल के फेज में आपने इसको यूज़ करा है। तो ये लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल के अलावा कुछ और भी हम लोग दे सकते हैं क्या? कॉपर टी हम लोग एज ए मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं? 12 to 24 आवर्स के अंदर अगर हम कॉपर टी अंदर इंसर्ट कर दें, क्योंकि कॉपर टी कॉपर रमहा जाके बैठ जाएगा, तो वो इम्प्लांटेशन फेलियर करेगा और प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आउट आपको बात करूंगी कि अगर उन्होंने बहुत लेट कर दिया है लेने में और इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो फिर लगभग प्रेगनेंसी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। और कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग, मिफेप्रिस्टोन या यूरोप्रिस्टल जैसा कुछ मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं? आप क्या बोलेंगे इस पे? यूरोप्रिस्टल भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो हम लोग प्रेगनेंसी ना रहने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मॉलिक्यूल है और उसकी बहुत ज़्यादा लंबी रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए हम लोग वो बहुत ज़्यादा
यूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब नहीं करते, और लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल सालों से यूज़ कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोफाइल उसकी बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है या वो ओटीसी अवेलेबल है? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर्स पे ये अवेलेबल है, लोग इमीडिएटली मॉर्निंग आफ्टर ले ही रहे, जैसे वो नाम से जानी जाती है। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल टाइम्स आप एक ही साइकिल में उसको मत यूज़ करिए, इसको आप कॉन्ट्रासेप्शन का जरिया मत बनाइए। बेसिकली मैं इसके इंडिकेशंस बता देती हूँ कि कब ये लेना चाहिए कि कोई हमारा कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया है। जैसे नंबर वन पॉइंट ये हो गया कि कॉन्डोम में लीकेज है या कॉन्डोम फट गया या कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया है, दैट इज़ वन। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि डायफ्राम या और भी कोई प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ करते हैं उनमें फेलियर है। कोई महिला अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है और अपनी वो पिल भूल गई है उस दिन और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरह के इंडिकेशंस हैं जब ये यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार क्या करते हैं, पेशेंट एक ही साइकिल में इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं और इसको कॉन्ट्रासेप्शन का एक तरीका बना रहे हैं जो टोटली रॉन्ग है, जो उनके पूरी साइकिल और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर देगा और उनकी पूरी साइकिल को इरेगुलर कर देगा। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, मैं यही पूछने वाला था क्या इसको कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज कर सकते हैं, आपने बोला नहीं कर सकते। मैं ये भी पूछने वाला था क्या इसको साइकिल में बार बार ले सकते हैं, आपने बोला नहीं ले सकते। अच्छा ये बताओ क्या ये टैबलेट सेफ है? टैबलेट सेफ है फॉर इमरजेंसी यूज, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके कौन से फेज ऑफ साइकिल में आपने यूज करा है और उसके बाद क्या होता है कि जब वो पीरियड उसके कारण जब हैवी डोज प्रोजेस्टेरोन लेते हैं तो उससे भी पीरियड डिले हो जाता है, तो पेशेंट में एंजाइटी लेवल फीमेल में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको और ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि आईपी लेने के बाद भी लगता है कि उसको प्रेगनेंसी रुक गई है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इस टैबलेट के, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स तो ये क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ थोड़ा हायर डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन तो नौजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, घबराहट जैसे हो गई, कई बार वॉमिटिंग में वो गोली ही निकल जाती है अगर विद इन वन आवर तो भी वो वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा थोड़े ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन हो गया, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलर स्पॉटिंग, जिससे उनका पूरा मंथ उनका साइकिल का फेस बिगड़ जाता है। फीमेल समझ नहीं पाती है कि उन्हें कंसीव करा है कि नहीं करा है, वो टोटली कंफ्यूज हो जाती हैं और थोड़ा थोड़ा डार्क सब लिक्विड डिस्चार्ज, ब्राउनी डिस्चार्ज उनको पूरी साइकिल चलता रहता है और नेक्स्ट पीरियड्स उनको प्रॉपरली आते भी नहीं है और वो उसके बाद कई बार और प्रेगनेंसी और पीरियड डिले होता है तो कई बार प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। तो आई पी लेने के बावजूद उनका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। क्या एक से ज़्यादा बार ये एक साइकिल में ये लेना चाहिए, एडवाइसेबल है? ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोजेस्टेरॉन का डोज बढ़ाते जाएंगे आपके पीरियड्स डिले होते जाएंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं। कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेशन करा रही है, तो क्या वो ये आई पी एल ले सकती है? SOS basis, occasionally emergency के लिए ले सकते हैं, बट इसकी आदत मत डालिए। ये बार बार लेने से या occasionally लेने से फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई फीमेल का फर्क पड़ सकता है? बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-3 साइकिल्स उनके इरेगुलर रहेगी, इरेगुलर स्पॉटिंग और पीरियड का फ्लो वगैरह सब बिगड़ेगा। हम लोग ये चीज़ हमेशा हमारे पेशेंट्स को बताते हैं क्योंकि हम लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेगनेंसी इतनी आराम से नहीं रुकती है, एक महीने में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस 7-10% ही होते हैं। अगर किसी का अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो रादर देन टेकिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इट इज़ बेटर कि आप पीरियड के वेट करें और 90-95% चांस होता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पीरियड आ जाता है। सपोज बाई चांस पीरियड नहीं आए और 1-2 दिन डिले हो, इट इज़ बेटर टू टेक एमटीपी पिल और एन अबॉर्शन पिल रादर देन ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अच्छा ये बताओ कुछ ऐसा है कि जिंदगी में आप 1-4 बार ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं कि कितनी बार भी ले सकते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो वो उनकी साइकिल्स के हार्मोनल डिस्टर्बेंस को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा ये बताओ कि 1 बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया कोई फीमेल ने तो उसको उसके बाद पीरियड्स कब आएंगे? आपने वैसे तो बताया लेकिन साइकिल के हिसाब से कब लिया? साइकिल के हिसाब से थोड़ा सा अगर हम समझेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल अगर वो ईस्ट्रोजन फेज में लिया होगा तो उनको गोली लेने के 1 वीक के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सेकंड हाफ मतलब लाइक 14-16 दिन के आसपास अगर उनका उन्होंने ये गोली लिया है तो वो प्रोजेस्टेरोन है तो सेकंड फेज ऑफ द साइकिल क्योंकि प्रोजेस्टेरोन से ही गवर्न होता है तो उससे उनका पीरियड थोड़ा डिले हो सकता है, और अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप 1 वीक एक्स्ट्रा वेट करिए, अगर उसके बाद भी पीरियड नहीं आता है तो हम फिर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट और स्कैन करते हैं।
किसी ने सपोज आज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल लिया तो वो अगले 10-15 दिन तक जब तक उसका साइकिल आता है नहीं आता है तब तक वो प्रेगनेंसी से सेफ है, मतलब प्रोटेक्टेड है, या फिर उसको दूसरा कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए? नहीं, वो तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि उनका कब ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि ये आई पिल तो उस पर्टिकुलर टाइम को संभाल रहे हैं, हमको नहीं पता है कि उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कब हो रहा है, वो तो रूटीन जो प्रोटेक्शन फॉलो करनी है वो करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर ओसी पिल चालू है एक दो दिन भूल गए जी, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी चाहिए? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कई बार कोई कुछ लोग डर के कारण लेते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चल रही है अगर आप वो मिस कर गए तो उसी डोज को आप कंटिन्यू करिए और बाद में फिर वो आप साइकिल के एंड में देखिए। कौन सी चीज़ बेहतर है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना या पहले से आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे रहे वो? देखिए इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर न्यूली मैरिड कपल्स हैं दे आर वेरी क्लियर कि उनको 1 ईयर तक अगर प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है, बिकॉज क्या हो रहा है कि हम लोग मैरिजेस के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, लहंगे और शेरवानी सिलवा रहे हैं, लेकिन कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी फैमिली प्लान करने की काउंसलिंग के लिए नहीं आते, मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। दे ओनली कम जब उनका एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है और दे डोंट वॉन्ट प्रेगनेंसी या उन्हें कंसीव कर लिया और उसको टर्मिनेट करने के लिए आते हैं। बट मैरिज काउंसलिंग के साथ ये भी एक पार्सल होना चाहिए कि एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट अपने फैमिली डॉक्टर को भी मिलिए कि अब हम फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से हमारे कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस होने चाहिए और उनके क्या साइड इफेक्ट्स और यूजेस है वो उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। आजकल बहुत सारे अनमैरिड एडल्ट फीमेल्स भी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, यस, वो लोग भी बहुत बार आईपिल लेके आते हैं हमारे पास, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? आई पिल ओकेजनली इट इज फाइन, उसकी आदत मत बनाइए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्डम्स हैं, क्योंकि कॉन्डम्स आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाएंगे। आई पिल और गोलियां हमको डिजीजेस बीमारियों से नहीं बचा रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि सिंगल सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स या मेल्स है तो आपको खुद को भी सेफ रखना जरूरी है, इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करिए और उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए। कुछ लोग आईपील को कॉन्डम की तरह इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स यूज़ करते हैं और आईपील को आफ्टर इंटरकोर्स यूज़ करते हैं, इस चीज़ को कैसा बोलेंगे? वही बात है कि वो यूज़ कर रहे हैं, उनको इग्नोरेंस है क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी साइकिल्स पे इसका कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके आईपील लेने के बाद जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 से 3 साइकिल फीमेल को बहुत ज़्यादा साइकिल इरेगुलरिटी आती है और स्पेशली जो यंग फीमेल्स होती हैं जब उनको साइकिल इरेगुलरिटी आती है तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, वो अपना बराबर सारी दिनचर्या प्लान नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेटर है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो पेशेंट्स के साथ है हम लोग यही एडवाइस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर ऑलवेज बेटर देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और आई पिल्स। आखिरी क्वेश्चन, आई पिल और अबॉर्शन पिल और एमटीपी पिल में कुछ फ़र्क है या दोनों सेम है? बिल्कुल, आई पिल और अबॉर्शन पिल दोनों ही डिफरेंट पिल्स है। अबॉर्शन पिल इज अ किट ऑफ 5 टैबलेट्स जो प्रॉपर एक कन्फर्म प्रेगनेंसी को मेडिकली अबॉर्ट करने का तरीका है, और आईपील एक इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है जो एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का तरीका है। सो इट इज़ अ 1-टाइम टैबलेट, दैट इज अ सेट ऑफ 5 टैबलेट्स। छोटी सी वीडियो हमने इसलिए बनाई थी, इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरी होम मैसेजेस हैं कि आईपील ओकेजनली ले सकते हैं, हर बार मत लें। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इट इज़ बेटर कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पर ही रहें, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लगभग कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से तकलीफें हैं, उनके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, और जैसा सपना ने बोला प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की प्लानिंग के साथ अपना फैमिली प्लान करें। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आखिरी में कुछ? जी, और अगर आईपील और हार्मोनल्स अगर लिए हुए हैं और अगर आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी भी है तो आप अपना फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी अपना चालू करिए और 1 या 2 साइकिल्स को अपना नॉर्मल रेगुलराइज होने दीजिए, क्योंकि ये पूरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ कई बार वो कंसीव करेंगे तो प्रेगनेंसी में भी उनको तकलीफ हो सकती है। बहुत बार हमने ये देखा है कि PCOD वाली फीमेल जो होती है उसको ऑलरेडी इरेगुलर पीरियड्स होते ही हैं और उसके ऊपर से आईपील अगर ले लें तो पीरियड्स और ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, इसलिए PCOD में हम लोग ड्रोस्पेरिनोन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करती है, हार्मोनल रेगुलेशन का भी काम करते हैं। खाली खुद दवाई ओरल ओवर द काउंटर लेने से पहले एक बार गायनेक की सलाह जरूर लें। ये वीडियो बनाने का खाली हमारा यही एक मकसद था। थैंक यू, नमस्ते।